नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे चटपटा नमकीन मुरमुरा। दिवाली के बाद बहुत सारा मुरमुरा जो है बच जाता है, तो हम सोचते हैं कि उसका क्या हम यूटिलाइज करें। तो आप इस तरह से उसका जो है नमकीन बना के स्टोर कर सकते हैं। ये काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक जो है आप यूज़ कर सकते हो। टी टाइम एज अ टी टाइम स्नैक, सुबह के टाइम आप ले सकते हो, शाम के टाइम आप जो है चाय के साथ ले सकते हो, और बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लिया है। कढ़ाई में डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को गरम कर लेंगे और फ्लेम को जो है बिल्कुल हम स्लो कर लेंगे। सबसे पहले हमें जो है आधा कटोरी कच्ची मूंगफली लेनी है। इसे हमें भूनना है, तेल में फ्राई करना है। तो इसे जो है हम कंटिन्यूसली चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप जो है हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे करोगे तो मूंगफली अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से जो है पक जाएगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से कंटिन्यूसली हमें इसे फ्राई कर लेना है। मूंगफली फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं जो है कटोरी में निकाल लूंगी और इसी ऑयल में मैं जो है ऐड करूंगी करी पत्ता 10 से 15 कलियां और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। MDH का रेड चिली पाउडर है ये जो मैंने यूज़ किया है। और इसके बाद एक बाउल बिग साइज़ में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मुरमुरा, जो नमकीन हमें बनानी है इसमें ऐड किया है मैंने मुरमुरा। और इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि ये करारा क्रिस्पी हो जाए। लगातार हमें इसे चलाते रहना है। आप देख सकते हो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मुरमुरा जो है बिल्कुल हमारा जो है करारा हो चुका है। आप इसको हाथों की हेल्प से हल्का सा प्रेस करके चेक कर सकते हो कि ये करारा हुआ या नहीं। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट 1/4 छोटा चम्मच, जो कॉमन सॉल्ट आता है वाइट वाला वो, और 1/4 छोटा चम्मच हम डालेंगे काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट, और इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। यानी जो नमक डलेगा वो स्वाद अनुसार डलेगा। और इसके बाद मैंने ये डाला है अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच यानी ड्राई मैंगो पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे फ्लेम जो है बिल्कुल लो रहेगा। और हल्का सा मैं मिर्च हल्का सा ऐड और करूंगी। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी फ्राई की हुई मूंगफली और इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो मूंगफली के साथ साथ बारीक कटा हुआ नारियल भी इसमें ऐड कर सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और पिसी हुई हल्की सी पिसी हुई चीनी का भी ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड नहीं किया है, उससे जो है बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है खट्टा मीठा सा। तो ये देखिए हमारा जो नमकीन है मुरमुरा नमकीन बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसे एयरटाइट डिब्बे में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो और चाय के साथ खा सकते हो। टी टाइम स्नैक काफ़ी अच्छा है ये। दिवाली के बाद काफ़ी सारा मुरमुरा जो है घर में बच जाता है, तो आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।